बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। श्रुति शर्मा का पहला स्थान प्राप्त करने पर बिजनौर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी का कहना है कि श्रुति शर्मा ने बिजनौर का नाम रोशन किया है। वहीं यूपीएससी में बिजनौर की स्मृति भारद्वाज ने 176 की रैंक की हासिल। दो लड़कियों ने बिजनौर का किया नाम रोशन। मेरी 176th रैंक आई है। ये कितने अटेम्प्ट में आपने किया? मेरा तीसरा अटेम्प्ट था ये। अच्छा, आपके जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो कहाँ से कहाँ कहाँ पढ़े, थोड़ा उसके बारे में? मैंने सेंट मेरी स्कूल बिजनौर से 10th और 12th पास किया है। फिर IIT BHU वाराणसी से मैंने इंजीनियरिंग किया है। अच्छा, जो आपको सफलता मिली है इसका श्रेय आप किसको देती हैं? मैं सबसे पहले अपने माता पिता को इसका श्रेय देना चाहती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है मैंने जो भी करना चाहा है, और इन पूरे सालों में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सहायता और सपोर्ट किया है जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। फिर मेरे छोटे भाई ने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की है। जब भी मैंने मुझे कभी लो फील हुआ है उसने मुझे अच्छा फील कराने में मेरी हेल्प की है। और मेरे टाइम टेबल और शेड्यूल की अगर बात करें, तैयारी किस तरह से? तैयारी मैंने मेरे सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैं दिल्ली गई थी, तो मैंने वहाँ से अपनी ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी की कोचिंग ली थी और GS की कोचिंग मैंने नहीं ली थी, और मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस ली थी। और मैं कुछ दिन में ऐसे 8-10 घंटे पढ़ लेती थी मेंस और प्री से पहले, और इंटरव्यू के लिए थोड़ा इजी था, मतलब थोड़ा लाइट मेरा शेड्यूल था एज़ कम्पेयर टू मेंस। तो बस यही है। अरे, सफलता की पटकथा आपने लिखी है, तो क्या कोई संघर्ष भी करना पड़ा आपको? कहीं कभी ऐसा लगा जीवन में कि सफल होंगी या नहीं हो पाऊंगी, इस तरह का कोई? बिल्कुल, पहले मेरे अटेम्प्ट में मैंने वो जॉब के साथ दिया था तो मैं प्री नहीं निकाल पाई थी। उसी के बाद मैंने दिल्ली जाने का फैसला किया था। फिर मैंने प्री निकाल लिया था पर मेंस में मैं रह गई थी, तो वो काफ़ी एक सेटबैक था मेरे लिए। पर फिर मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया जिससे मैं इस बार का अटेम्प्ट अपना क्लियर कर पाई।